Well, Babar, tough luck, but you had your moments. You know, when Sri Lanka were five down, you must have thought you're on top. बिल्कुल, हमें ख्याल से पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ श्रीलंका को, जिस तरह वो क्रिकेट खेले हैं, वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेले हैं। यस, मेरे ख्याल से जिस तरह हमने पहले 8 ओवरों में उनको डोमिनेट किया था, उसके बाद जो राजापक्षा ने और जो पार्टनरशिप थी वो आउटस्टैंडिंग थी। क्या लगा आपको पिच के बारे में? पिच ट्रू विकेट था, और मेरे ख्याल से टिपिकल जो दुबई का विकेट होता है, और जब भी खेलते हैं यहाँ पे मज़ा आता है, और काफ़ी अच्छा विकेट था। और मेरे ख्याल से हमने एज अ बैटिंग यूनिट वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसे हमें करना चाहिए। आपको लगा कुछ 15-20 रन ज़्यादा निकल गए? डेफिनेटली, जिस तरह हमने स्टार्ट अच्छा किया था, फिनिश वैसा नहीं कर पाया जैसा हमने करना चाहिए था, तो मेरे ख्याल से 15-20 रन हम ज़्यादा दे गए थे। और अगर आप टूर्नामेंट देखेंगे, क्योंकि आपके पास काफ़ी पॉजिटिव्स निकले ये टूर्नामेंट से, अब वर्ल्ड कप आने वाले हैं 2 हफ्ते के अंदर, तो कैसा लगा ये टूर्नामेंट? बिल्कुल, मेरे ख्याल से बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव हैं हमारे पास, और बिल्कुल फाइनल में, और जब आप फाइनल में आते हैं तो शॉर्ट आपके पास मार्जिन होता है मिस्टेक का, और मेरे ख्याल से जितना हमारी थोड़ी फील्डिंग अप टू द मार्क नहीं थी, और बैटिंग थोड़ा सामने जो हमारा मिडल ऑर्डर था वैसे वो फिनिश नहीं कर पाया जैसे हमने था, लेकिन पॉजिटिव काफ़ी थी, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज काफ़ी थी, रिजवान की, शदाब की, नवाज़ की, नसीम शाह की, पहला टूर्नामेंट खेला जिसने उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, वो आउटस्टैंडिंग था। आपका अगर बॉलिंग अटैक देखिएगा काफी बैलेंस्ड है, वो कोई भी कंडीशंस में चल जाएगा, थोड़ा बैटिंग में थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखें ये पार्ट ऑफ द गेम है, और मेरे ख्याल से जितना एज अ टीम आप से इस चीज़ों से सीखेंगे, अप एंड डाउन चलते हैं, लेकिन मिस्टेक जितना कम करेंगे उतना आपके लिए एज अ टीम अच्छा है। वेल बाबर, नेवर माइंड, यू आर अ डेंजरस टीम, गुड लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। बाबर आजम, कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम।